वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं चिकन फिहिता राइस बना रही हूँ। उसके लिए जो मैंने चीजें ली हैं, चिकन लिया है मैंने आधा किलो, इसके साथ जो मैंने मसाले लिए हैं, पेपरिका पाउडर लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, क्रश लाल मिर्च लिया है मैंने 1 टेबल स्पून, काली मिर्च लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, ऑरिगैनो लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, और नमक लिया है मैंने 1/2 टीस्पून, सोया सॉस लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, और विनेगर लिया है मैंने 3 टेबल स्पून, लहसुन लिया है 1 टेबल स्पून। अब सबको मैं इसमें डाल के और इसमें मिक्स कर दूंगी, सोया सॉस भी डाल दूंगी और इसके साथ विनेगर भी डाल दूंगी। इसको मैं मैरिनेट करके रख दूंगी फ्रिज में 2 घंटे के लिए, और उसके बाद मैं इसको पकाऊंगी। दूसरी साइड पे मैं चावल बॉईल कर रही हूँ, इसमें मैं 1 कड़ी पत्ता, दालचीनी और लौंग 3-4 डालूंगी, और नमक 1 टेबल स्पून डालूंगी। 1 प्याज लेके हमने पैन में डाल लिया है। अब ऑयल तकरीबन 3 टेबल स्पून डाल लेंगे। फ्लेम मैंने लो कर दिया है। अब इसमें मैं चिकन डाल रही हूँ। 4 हो गए हैं, अब इनको मैं उतारने लगी। चिकन अब सॉफ्ट हो चुका है, अब इसको मैं भून लूँगी और फिर इसमें मैं सारी वेजिटेबल डालूंगी। अब मैं शिमला मिर्च डाल रही हूँ इसके अंदर, इसको मैंने लंबा लंबा काट लिया। अब मैं चिली गार्लिक सॉस डाल रही हूँ, तकरीबन ये 3 टेबल स्पून है। मुझे चावलों में बंद गोभी पसंद है, तो मैं अपनी तरफ से बंद गोभी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बंद गोभी आपकी मर्ज़ी है, आपने डालनी हो तो डाल लें। चिकन हमारा तैयार हो गया, अब इसको मैं चावलों के ऊपर स्प्रेड कर। चावल मेरे तैयार हो चुके हैं, मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये है चिकन फहीता की फाइनल लुक। आप इसको ट्राई करें, अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।